नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में जल्द सरकार बनने के आसार। नीतीश कुमार 15 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि पटना में सीएम हाउस में शुक्रवार को एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा, विधायक दल का नेता चुनने के लिए 15 नवंबर को 12:30 बजे फिर से एनडीए की बैठक होगी, जिसके बाद रविवार को ही एनडीए के नेता सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल से मिले। साथ ही आपको बता दें कि गुरुवार शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जनता मालिक है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, सभी घटक दल आपस में बातचीत करेंगे, विधानमंडल दल की बैठक उसके बाद होगी, बातचीत के बाद ही तय होगा कि क्या कैसे करना है, मुख्यमंत्री को लेकर फैसला एनडीए की बैठक में ही होगा। अगली बड़ी खबर, सीएम नीतीश ने किया मंत्रिमंडल भंग करने का फैसला, राज्यपाल से मिलकर दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधायकों की अनौपचारिक बैठक की। बैठक के बाद विधायकों ने बताया कि अब एनडीए विधायक दल की औपचारिक बैठक 15 नवंबर को होगी। जैसे मैंने आपको पहले समाचार में बता दिया, शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वर्तमान विधानसभा भंग करने का निर्णय भी लिया गया। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शाम को 4:30 बजे राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब आगे एनडीए विधायक दल की औपचारिक बैठक में नेता चुनने के बाद नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एनडीए के 3 मुद्दे तय, नीतीश ही सीएम होंगे, सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने रहेंगे, स्पीकर भी जदयू के ही होंगे। जी हां, 17वीं विधानसभा में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री के लिए सुशील मोदी का ही नाम तय हुआ है। पहले की तरह विधानसभा अध्यक्ष भी जदयू से ही तय किया गया है। इस बार जदयू को भाजपा से काफ़ी कम सीटें आई है, जदयू को जहाँ 43 सीटें मिली है वहीं भाजपा को 74 सीटें आई है। ऐसे में पॉलिटिकल क्राइसिस को देखते हुए जदयू इस बात पर अड़ा था कि उसे विधानसभा अध्यक्ष का पद चाहिए। अब ये तय हो गया है कि सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी और विधानसभा अध्यक्ष जदयू से ही होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत तो मिला, लेकिन इसे प्रचंड बहुमत नहीं माना जा सकता। ऐसे में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार सीएम के उम्मीदवार थे, लेकिन जब भाजपा को जदयू से अधिक सीट मिली तो ये कयास लगाए जाने लगा कि सीएम भाजपा से होगा। लेकिन उसी रात सुशील मोदी, मंगल पांडे और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने सीएम हाउस में जाकर नीतीश कुमार के साथ बैठक की और सभी पहलुओं पर बात साफ कर दी है। भाजपा के नेताओं ने नीतीश कुमार के ही सीएम बनने की बात की है। तेजस्वी की टास्क फोर्स, बाहुबली अनंत सिंह और रितलाल यादव को तेजस्वी ने लगाया महागठबंधन सरकार के जुगाड़ में। बिहार विधानसभा चुनाव में नतीजों के बाद बहुमत से पीछे रहने बावजूद महागठबंधन सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, और जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह के साथ अपराध से राजनीति में आकर पहली बार दानापुर से MLA बने रितलाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तेजस्वी ने महागठबंधन सरकार के जुगाड़ के लिए जो टास्क फोर्स बनाई है उसमें मनी और पॉलिटिक्स के हिसाब से भी काम दिया गया है। तीनों तरह के लोग इस मुहिम में जुट गए हैं। विरोधी दल से लेकर निर्दलीयों को भी साधने के लिए तेजस्वी ने अपने इन सेनापतियों को टास्क सौंप दिया है। इन्हें सब कुछ पक्का कर राजद प्रवक्ता से समन्वय करना है। वहीं गुरुवार को राजद के विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि एनडीए सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। ऐसे में तेजस्वी यादव की यह गुप्त टीम ऑपरेशन में लग चुकी है। अगली बड़ी खबर, राजनाथ की मौजूदगी में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक आज, विधायक दल के नेता का होगा औपचारिक ऐलान। भाजपा के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक 15 नवंबर को होगी, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। पार्टी की ओर से केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बिहार आ रहे राजनाथ सिंह ही भाजपा विधायक दल के नेता की औपचारिक घोषणा करेंगे। भाजपा नेताओं के अनुसार भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में नव निर्वाचित 74 विधायकों के अलावा
विधान पार्षद भी शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से प्रदेश भाजपा कार्यालय में होने वाले इस बैठक में रक्षा मंत्री ही पार्टी के विधायक दल के नेता का नाम का औपचारिक रूप से ऐलान करने जा रहे हैं। 15 नवंबर को दिन में 12:30 बजे एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होनी है, उससे पहले भाजपा विधायक व विधान पार्षदों की बैठक होगी। इसके बाद होने वाले एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम का औपचारिक ऐलान होगा। अजीत शर्मा चुने गए कांग्रेस विधायक दल के नेता, मोहम्मद अपाक आलम होंगे उप नेता। राजधानी पटना स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष के नेतृत्व में चल रही विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस के विधायकों ने सर्वसम्मति से भागलपुर सीट से विजयी अजीत शर्मा को कांग्रेस पार्टी के विधायक दल का नेता चुना है। कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के निर्देश अनुसार विधायकों के साथ चर्चा की गई है और फिर अजीत शर्मा के नाम पर फाइनल मुहर लग गई है। आरजेडी का ट्वीट, नीतीश कुमार कौन सा काम करते हैं, बिहार के नागरिक यह सोचकर है परेशान। राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को आरोप लगाए कि अगर वे काम करते तब उन्हें छल नहीं करना पड़ता और भाजपा को अपनी बैसाखी भी नहीं बनाना पड़ता। राजद ने ट्वीट किया, नीतीश जी बार बार दोहराते हैं कि हम सिर्फ काम करते हैं और पूरे बिहार के नागरिक यह सोच कर परेशान होते हैं कि नीतीश जी कौन सा काम करते हैं, कहां और कब काम करते हैं। नीतीश कुमार पर तंज वे राजद ने कहा कि अगर वे काम करते तो जीतने के लिए छल क्यों करना पड़ता, भाजपा को अपनी बैसाखी क्यों बनाना पड़ता और चुनाव में वह नकारे क्यों जाते। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, बिहार में पिछले 24 घंटों में 581 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 2,26,081 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 6,955 कोरोना के एक्टिव मरीज। दूसरी तरफ राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 179 नए मामले सामने आए। आपको बता दें पिछले 24 घंटों में राज्य में 5 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरने वालों का आंकड़ा 1,167 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 821 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। अगली बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी है। जी हां, अगले महीने भारत को 10 करोड़ डोज मिलने वाला है। दिसंबर से ही टीकाकरण स्टार्ट हो जाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के बीच भारत के लिए दिवाली से ठीक पहले बड़ी खुशखबरी आई है। दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी दिसंबर तक भारत को एस्ट्राजेनेका VLC COVID-19 टीके के 10 करोड़ डोज भारत को उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इसके साथ ही भारत में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। कंपनी के CEO आदर पुनावाला ने कहा कि यदि फाइनल स्टेज ट्रायल के डेटा में यह वैक्सीन प्रभावी पाई जाती है तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड को आपातकालीन मंजूरी मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के साथ कम से कम 1 अरब डोज तैयार करने का समझौता किया है। डेंगू पर गंभीर हुआ प्रशासन, स्वास्थ्य केंद्रों पर अब एंटीजन किट से होगी जांच। पटना के शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर डेंगू की जांच कराई जा सकती है। इन केंद्रों पर रैपिड एंटीजन किट से जांच की जाएगी। इसको लेकर सिविल सर्जन कार्यालय ने तैयारी कर ली है। करीब 800 जांच किट इन स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजी जा रही है। इनके खत्म होने के बाद और भी किट भेजी जाएगी। यहाँ डेंगू जाँच की सुविधा उपलब्ध होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि डेंगू के नए केस यहाँ से सामने आएंगे। मरीजों को आसानी से अपने घर के पास ही जांच की सुविधा मिल जाएगी। जिले में अब तक 142 से ज्यादा डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। इसमें से अकेले करीब 73 मरीज PMCH माइक्रोबायोलॉजी विभाग के लैब से हुई जांच में मिले थे। अगली बड़ी खबर, दीपावली और छठ पूजा पर बिहार में नहीं सुनाई देगी पटाखों की शोर, राज्य सरकार ने 1 दिसंबर तक लगाई रोक। जी हां, बिहार में इस बार दीपावली, छठ और नव वर्ष पर पटाखों की कान फोड़ू शोर सुनाई नहीं देगी। राज्य भर में केवल हरित पटाखे ही बनेंगे और बिकेंगे, पटाखे चलेंगे भी तय सीमा के अंदर। वहीं पटना, गया और मुजफ्फरपुर में किसी भी तरह के पटाखों का प्रयोग नहीं होगा। राज्य सरकार ने यह रोक 1 दिसंबर तक लगाई है। ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से
तंबाकू की ऑनलाइन बिक्री भी प्रतिबंधित की गई है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश के क्रम में ऐसा किया जा रहा। लगातार बढ़ते प्रदूषण को सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तमाम शहरों में प्रदूषण के चलते दिन में भी धुंध की सी स्थिति दिखाई दे रही है। एनजीटी ने इसे गंभीरता से लेते हुए 9 नवंबर को आदेश जारी किया था। कहा था कि बीते साल नवंबर में देश के जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता ठीक नहीं थी, वहां पटाखे ना बनेंगे और ना ही बिकेंगे। आपको बता दें कि इस श्रेणी में बिहार के 3 शहर पटना, गया और मुजफ्फरपुर शामिल है। धनतेरस पर गुलजार रहे बाजार, पटना में बिकी 3,000 गाड़ियां, वहीं 22 लाख की एक हार भी। जी हां, पटना के बाजार में धनतेरस के मौके पर धन की जमकर बारिश हुई। बर्धन बाजार से लेकर सरप्पा बाजार तक के लोगों ने जमकर खरीदारी की। आपको बता दें सबसे ज्यादा भीड़ बर्तन बाजारों में रही। तांबा, पीतल, स्टील व कासा के बर्तनों की खूब खरीदारी हुई। दूसरी ओर धनतेरस के मौके पर राजधानी की सड़कों पर लग्जरी एसयूवी सेडान गाड़ियों की बड़ी खेप उतरी। इनमें 42 लाख रुपए कीमत वाली 3 एमजी ग्लास्टर, लगभग 40 लाख रुपए वाली टोयोटा कंपनी की 20 फॉर्च्यूनर और फोर्ड की 10 एवेंडर गाड़ियां भी शामिल है। अगली बड़ी खबर, इस बार सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा में पास होना होगा आसान, ऐसा होगा मार्क्स का पैटर्न। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षार्थी को इस बार दोहरा फायदा होगा। सिलेबस कम पढ़ना होगा और अगर 100% प्रश्नों के सही जवाब दे तो पूरे अंक भी मिल सकते हैं। कोरोना के कारण हर विषय में 4 से 5 चैप्टर कम हो गए, लेकिन परीक्षा पूरे अंकों की ली जाएगी। बोर्ड की माने तो 70 अंकों के विषय में पास करने के लिए मात्र 23 अंक चाहिए। जो विषय 80 अंकों के हैं उसमें पास करने के लिए 26 अंक लाने हैं। आइए जानते हैं किस विषय में कितना पासिंग मार्क्स रहेगा। तो सबसे पहले 80 अंकों वाले विषय में 26 पासिंग मार्क्स है, वहीं 70 अंकों वाले विषय में 23 पासिंग मार्क्स है, वहीं 30 अंकों वाले विषय में 9 पासिंग मार्क्स रखा गया और अंत में 60 अंकों वाले विषय में 19 मार्क्स पासिंग मार्क्स रखा गया है। राजद को एक और झटका, तेजस्वी यादव के पोस्टल बैलेट में धांधली वाले दावे को इसी ने नकारा। कहा, हिलसा में नियम का पालन हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में सबसे ज्यादा सीट के रिजल्ट को लेकर चर्चा थी, वह था हिलसा विधानसभा क्षेत्र। हिलसा विधानसभा सीट पर हार जीत का अंतर महज 12 वोट था। इस सीट पर जदयू प्रत्याशी की जीत हुई थी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया था और हिलसा समेत कई सीटों पर डाक मतपत्रों को रद्द किए जाने के आरोप लगाते हुए पूर्ण मतगणना की मांग की थी। हालांकि अब बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास का बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम निर्वाचन आयोग द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार घोषित किया गया है। हिलसा सीट पर जीत हार का अंतर सिर्फ 12 वोट का था। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के धांधली वाले दावे को खारिज किया है और एक तरह से हिलसा सीट पर जदयू की जीत को क्लीन चीट दे दी है। और अंत की बड़ी खबर, बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर है। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के नीरज कुमार जीते। पटना स्नातक निर्वाचन सीट पर एनडीए ने कब्जा बरकरार रखा है। जदयू उम्मीदवार मंत्री नीरज कुमार ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार आजाद गांधी को 8252 मतों से हराया है। मीठापुर स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में गुरुवार से चल रही मतगणना शुक्रवार सुबह तक जारी रही। उन्हें प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने प्रमाण पत्र दिया। नीरज कुमार ने तीसरी बार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।